वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत होते हैं क्या करें जिस uh, तरह आप रिलेशनशिप पोच हैं मैं रिलेशनशिप पोच तो नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें हमारे पास कोई ऐसा बंदा या बंदी होनी चाहिए जो कि गाइड करे तो यो वन बन दिन माशा तो इसलिए आपको घसीटता रहता हूँ मैं बार बार मैं मैं बहुत बहुत खुश खुश कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू और अलहमद लोग, ल, से ल, से लोग आ, पसंद भी कर रहे हैं और लोगों के एक केमिस्ट्री लोगों से हमारी बन चुकी है कुछ बड़े डायाट फैंस भी हैं और खैर ऐसे लोग भी हैं जिनको पसंद नहीं है हम तो सालों की मुझे ये बताएं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमोशंस पे आप बात करती हैं क्योंकि आप जब भी रिलेशनशिप पे बात करती हैं तो इमोशंस हमेशा दे का कमेंट प्ले मसला सारा ये होता है कि इमोशंस के, के तौर पे हम दो तरह के एक्सट्रीम्स हैं या कोई बहुत इमोशनल है क्या तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो या फिर ये ज़्यादा इमोशनल आदमी नहीं है ये दो तरह के वो हैं जबकि इमोशन्स ही सब कुछ होता है अच्छा मसला सारा ये है कि अभी मुझसे किसी ने पॉडकास्ट में कहा था कि यार <clears throat> ये ऊपर से आई थी उसने मुझसे पूछा था क्या चीज़ है जो कौन सी सी तीन चीज़ें जो आप बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है hmm. तो मैंने कहा यार आई लिटरली डोंट कोई कौन तीन कौन सी चीज़ें हैं लेकिन मुझे एक चीज़ पता है जिससे मेरी हर चीज़ हो जाती है वो है इमोशनल रेगुलेशन सही है आई एम अलहमदुल्ला एबल टू रेगुलेट माई इमोशनस कि भाई आ गई है उस वक्त फ़ौरन ही फ़ौर वो नहीं करना है जिससे मेरे रिलेशनशिप भी काफ़ी बचा रहा है अलहमद लाला मेरे दूसरों से रिलेशनशिप बिज़नेस पार्टनर्स हो गए बहुत सारे दोस्त यार हो गए तो ये इमोशनल रेगुलेशन को जो पार्ट है ना कि भाई कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं है यह बंदा सिर्फ इमोशनल नहीं है या सिर्फ रैशनल नहीं है बीच में भी पार्ट है और उसको इमोशनल को रेगुलेशन किस तरह करनी चाहिए उसकी मैं इसका थोड़ी सी इसला मजीद कर दूँ आ, uh, जब आप लफ्ज इमोशनल यूज करते हैं और स्पेशली जब आप उर्दू बोलते बोलते जब आप इमोशनल कलर्स यूज करते हैं तो आमतौर से लोग रिएक्शन सेंटिमेंटल को बोलते हैं ओके okay. आप भी देखें ना तो जो इमोशनल रेगुलेशन उसको बोल रहे हैं कि जी आपने रिएक्ट नहीं किया हाँ सही है बिल्कुल तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स बहुत मुख्तलिफ है इमोशनल रेगुलेशन से इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि आपको न सिर्फ मालूम है कि आपके क्या इमोशंस हैं जिनसे आप गो थ्रू करते हैं आप उनको ना सप्रेस करते ना रिप्रेस करते आपको अपनी बात कहना आता है नॉट कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम इमोशंस बट उन इमोशंस के साथ आप बह नहीं जाते आपको ये पता है कि हाँ मैं इस वक्त क्या एहसास रखता हूँ और इस एहसास की वजह से मेरे जज्बात क्या हैं मैं क्या एहसास रखता हूँ जिसकी वजह से मेरे जज्बात क्या है तो so, यहाँ बात खाली इमोशंस की नहीं है बात फीलिंग्स की भी है फीलिंग्स और इमोशन अलग अलग होते हैं एहसास जज्बात दोनों की वोकेबलरी भी अलग अलग होती है डिसपॉइंटमेंट क्या है फीलिंग, एहसास है जाती है इमोशन यस सो अब इमोशन आप सैड सोच रहे किसी को गुस्सा भी आ सकते किसी को सकते। किसी, हट सकती है ना भाई सही बात है ठीक <laughs> है so, सो जहाँ इमोशनल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं मैं चाहूँगी कि पूरा साइकिल में सिखा दो समझा दो तो भाई बात शुरू होती है आपके सोच से जब आप सर्टन थाट्स बनाते हैं कुछ सोच रखते हैं वो सोच अकेली नहीं होती उस सोच के साथ लिंक्ड सोचें बहुत सारी होती हैं वो सारी सोचें जब मजमुआ हो जाती हैं तो ऐसा साथ बनते हैं वो ऐसा साथ जब इकट्ठे होते हैं तो जज्बात की सूरत में वो आपको इम्पैक्ट करते हैं वो इम्पैक्ट दूसरे को नहीं नज़र आता अभी तक कार्रवाई यहाँ हो रही है ठीक है उन जज्बात की वजह से एक बिहेवियर सामने आता है वो बिहेवियर दूसरे को दिखता है सो so, वो एग्जिबिशन है यानी आधा आधा चीज़ आपके दिमाग में हो गई क्या क्या हो गया सोच बनी सोच से एहसास बना एहसास से जज्बात बने वो जज्बात का जब आपने इजहार किया अच्छा बुरा जैसा भी वो बिहेवियर में आया उस बिहेवियर को बार बार करने से हैबिट और एटीट्यूड बनता है और एटीट्यूड नुमाया हो जाए तो वो आपका कैरेक्टर लेवल हो जाता है सो ये पूरा साइकिल है जो अगर इमोशनल रेगुलेशन समझना चाहता है उसको काम थाट से शुरू करना है बड़ा मुश्किल काम है अगर, अगर ये साइकल आप समझ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो बिहेव कर रहे हैं उसको कहाँ से ट्वीट करना ठीक करना अगर आप गुस्से के बहुत ज्यादा तेज है तो गुस्सा आना तो बुरा नहीं है गुस्से का इजान क्या होता है एग्रेशन एग्रेशन है। इमोशंस बुरे या अच्छे नहीं होते इमोशंस मैसेंजर होते इमोशंस आपको बताते हैं भाई कुछ हो रहा है इमोशंस बारहा आपका आपकी बॉडी आपका दिमाग आपको बताने की कोशिश कर रहा है फहद फहद ये सही नहीं हो रहा फहद ये सही हो रहा है ये सही नहीं हो रहा जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते आप बहुत ज़्यादा यू नो you know, मनफी जज्बात में घेरेवे होते दोनों सूरतों में आप अच्छे हेड स्पेस में नहीं होते लॉजिकल हेड स्पेस में नहीं होते इन दोनों सूरतों में चाहे आप बहुत खुश हो खुश होते हैं ना साथ फोन मांग भी कर देते हैं आप यस सो जब आप बहुत खुश हो या बहुत बुरे मूड में कोई डिसीजन ना ले। डू नॉट टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर हाई ऑन इमोशन मैं मैं ये कहती हूं उस वक्त डिसीजन मेकिंग को साइड पे रख दें इन्जॉय दैट मोमेंट या मतलब अगर अच्छे बहुत अच्छा है तो इन्जॉय दैट मोमेंट इन दैट मोमेंट जॉय को होल्ड ऑन करें और अगर फट पड़ पटे यू नो लाइक फट पड़े लावा फट पड़ा है तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं अपने आप को कंपोज करें अपने आप पे ध्यान दें झगड़ा ना करें अगले बंदे से ना झगड़े अपने आप को कम्पोज करें कि पॉज करें रख जाए एंड दिस इज लाइक अपने दिमाग में हमने विजुलाइज करना स्टॉप 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 साइन आई नीड टू सूरत प्यारी बात है जो सुन्नत से भी वाजे है कि गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो लेट जाओ पानी पियो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अपने घर को आज़ाद ना बनाएं आपको दुनिया भर की फिक्र पड़ी हुई है मैंने इसमें शाहरुख खान की एग्जांपल दी थी कि उसकी बेगम कहती है ही इज़ अ वेरी गुड वेरी मैनेजेबल पर्सन ही इज़ ए वेरी इजी पर्सन टू डील विद और इसके साथ मैंने मदर टेरेसा पे बोला था कि मदर टेरेसा ने कहा इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड गो वोम एंड लव यमी नीचे नाइन्टी परसेंट कॉमेंट्स एक तो अच्छे कामेंट भी अच्छे खास अच्छे एक अच्छे खासे हैं टिकटॉक पर वो अच्छी खासी गई थी मिलियन व्यूज़ चलेगा उसका wow. लेकिन जो नेगेटिव कॉमेंट्स हैं उसमें यह है कि हमें बात तो अच्छी लगी लेकिन ये तो हमारी दीन की तालीमत है आपने दीन से क्यों नहीं दी आपने सुनत से क्यों नहीं दी ये बात हम सबको पता है कि गुस्सा सुन्नत में पहले से बता दिया गया कि ऐसे ऐसे आप

एवरी डे ईशूज की एग्जाम्पल देती हूँ क्यों देती हूँ क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है uh, कभी भी फेथ को या रिलीजन को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और हमारे नॉलेज में नहीं होता हमारे अवेयरनेस uh, में नहीं होता कि कहाँ वो मिस यूज़ हो रहा है बिल्कुल ऐसे पता है अब मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे uh, माँ बाप के साथ जो सलूक है वो सन्नत तो नहीं है समत तो हो ही नहीं सकता था हजूर सौसलम के दोनों वालदेन तो हयात ही नहीं थे जिस वक्त वो बड़े हो रहे थे तो सुनना तो नहीं है वालदेन के साथ क्या हौसला सलूक नहीं होना चाहिए बात है ठीक है so, सो जहाँ पर आप हाई इमोशन की और उसकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स बहुत है मसला एग्जाम्पल्स का मौजूदगी नहीं है मसला ये कि उनकी मौजूदगी के बावजूद आपको क्या चाहिए जिससे आप बेहतर होंगे सो जब आप ये साइकिल समझ लेते हैं ना तो इसको तोड़ना आसान हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है आए, आए, वे फिर फट पड़ा लर्न टू अपॉलो चाइस अपॉलोजी के चार स्टेप होते लर्न टू नो योर ओन फीलिंग्स पहले अपनी फीलिंग से कनेक्ट तो करें अच्छा छोटी सी बात है आप इतनी अच्छी जॉब थी आपकी उस वक्त उस जॉब ने आपको सपोर्ट किया देन इट वॉज टाइम टू ग्रो मूव ऑन विच यू डिड कई लोगों को भी जिन्होंने कहोगे अभी यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब तुमने क्यों जॉब क्यों छोड़ दी ठीक है वो उनके सामने एग्जांपल्स कम है ऐसे लोगों की जो जॉब छोड़ के फिर नॉट लुकिंग एट थिंक आउट ऑफ कंसर्न आपके लिए वो बोलेंगे अब ये उनका कंसर्न है उनका प्यार है, ना उनकी ना उनकी प्यार। वो है आपके लिए यार हाँ, कर रहा है। लेकिन वो अपना डर डर क्या है इमोशन ये वो अपना डर इंड्यूस कर रहा है ये भी बच्चों को सब नहीं लगाना सोफे के ऊपर उछलो नहीं सोफा भी टूटेगा तुम्हें तो भी चोट लगेगी प्लेट टूट जाएगी दौड़ो नहीं ये किस कदर मैं बच्चों में खौफ इंड्यूस करती बचपन से होता है ना ये ठीक है स्पेशली जो बहुत ज्यादा चेरिश्ड बच्चे हो एप्पल ऑफ द आई हो उनकी मम और ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट होती है ठीक है ये प्यार की ज्यादती वो फ्लूज भी कर सकती है लव इज़ एन इमोशन लव एक्चुअली मैं तो अब मनतीम प्रोसेस है वर्ब है एक्शन है ठीक है लेकिन जहाँ एहसास की बात हो रही है ना वहाँ यह है कि क्या एह, एहसास से मतलब ऐसी मैएँ जो बच्चों को कह नहीं रही कि जी जब मत करो चोट लग जाएगी क्या वो बुरी मैए ठीक है सो जब जब आप आप जब तक अपने अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता होगा मैं जो थाट्स बनाता हूँ वो मुझे किस तरह सर्व करती हैं फॉर एग्जाम्पल के आप वालद आप बेटे के साथ थोड़ा सा सख्त लव है बेटी के साथ उतना सख्त लव नहीं है लेकिन आप इम्पावर दोनों को करना चाहते हैं ठीक है कैसे जज्बात का एक्सप्रेशन सिखाएंगे दोनों को क्या कहेंगे दोनों को कि बेटा क्या तरीके आप आप सजेस्ट करें क्या कर सकते हैं मेनली मेरा काम तो ये होता है एक्शन से दिखाऊं मतलब बोल के एक्शन से बताऊं कि भाई मैं इस सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहा हूं इससे बेहतर क्या मैं बताऊं बट वो उनकी आ, अभी छोटे हैं तो कॉन्शियस अवेयरनेस भी नहीं होगा है ना देखो ऐसे जैसे जितने बड़े हो गए फिर, फिर अपनी एग्जाम्पल्स देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ाहिर है लड़के बड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स के बारे में अब हमारे बेटे भी बड़े हो रहे हैं ज़ाहिर एलेवन ट्वेल्थ में आ गए हैं तो सुबह जाता है तो बड़ा बाल बाल बना के बाल यहाँ से रहे हैं ऐसे हो रहे हैं जैसे कभी कभी मैं पूछता हो भाई खबर खैर तो है सब सही है तफरी तफरी में क्या हो गया पापा ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आप तो अभी एक दो दिन पहले इसकी मामा ने कॉन्वर्सेशन देखी कुछ फ़ोन पे तो उसमें किसी लड़की के बारे में बात हो रही थी कोई लड़का कह रहा था तो कह रहा है यार पता नहीं इसने क्या कहा कि यार तुम उसके साथ बैठे हुए थे और कोई ऐसी कानवर्सेशन थी तो बेगम ने मुझे बताया कि लड़कियों की बातें होनी शुरू हो गई हैं अभी तो आई दैट अप तो ओ, मैंने कहा माँ दी आपकी कॉन्वर्सेशन पढ़ी मामा ने क्या सीन है क्या हो गया पापा नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है मैंने नहीं लेट्स टॉक तो मैंने कितना अच्छा लगता है ना जब लड़कियाँ अटेंशन देती हैं आपके अम्बा को भी अच्छा लगता था आपके अम्बा को आज तक भी लड़कियाँ अटेंशन देती हैं इट्स वेरी कूल बड़ा मजा आता है yeah. फिर मैंने उसको उस तरह से जैसे दोस्त यार होते हैं ना yeah. तो मैं तो दोस्त यार उनके ये समझा सकता हूँ कि बेटा इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं डू यू दिस अटेंशन अभी एंड यू टू मतलब दिस दिस और यू अटेंशन फॉर होल ऑफ योर लाइफ सही है तो इसको रिस्पेक्टफुली कैसे लेके बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही बट साथ साथ ये भी कि एक्सप्रेस चलना आपको फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे आप सही कह रही हैं जैसे हमारे यहाँ हमेशा से ये होता है कि फीमेल फ्रेंड्स नहीं होती हैं एक मर्दान uh, मर्दान मर्दा अलग जनाना अलग होता है तो आई एव स्टार्ट इंकरेजिंग हिम कि मेक फ्रेंड्स विद गर्ल्स एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि वह दफ़ा क्या होता है उसको होमवर्क नहीं मिल रहा होता है गए नहीं कि वो होम मैंने कहा अगर किसी लड़की से दोस्ती होती ना अभी होमवर्क आ जाता yes. सही है mm -hmm. so, मैंने कहा दिस इज इस बात कि आपने उसका एक्सप्रेशन कैसे सिखाने एक बच्चे के सामने एक फादर फिगर होता है ना वो सॉलिड स्ट्रेंथ और सपोर्ट इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं हम हम अपने पेरेंट्स के लिए इसी तरह बोलते हैं कि जी वो हमारी सपोर्ट uh, है हमारी बैक बोन है इस तरह के अल्फाज से हम बात करते हैं उनके लिए बहुत से लोगों के नहीं भी होते ठीक है हर किसी का लाइफ एक्सपीरियंस अलग है जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी के उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं वो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते कितनी दफा साहब को आपने बोला होगा कि आप, मैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं हो पाता सही कह रही हैं ठीक है नहीं। तो प्यार का इजहार करना उतना आसान नहीं है लेकिन किस और तरीके से हम इसको आ, प्रैक्टिस में ला सकते हैं लव लैंग्वेज पर बात की थी हमने अगर किसी की लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है आपकी वालदा का कहने काम करती है बच्चों को ना दिया खिला ला दिया कपड़े ला, ला करके गिफ्ट कर दिए जो भी उन्हीं के लाभ लाइंगेज से हम हाँ उनको थैंक यू भी कर सकते हैं और इस चीज़ का एहसास दिला सकते हैं कि मुझे एहसास है सो so, इस एहसास को होने के लिए और कन्वे करने के लिए मुझे सोच आनी चाहिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है मैं आज कहाँ खड़ा हूँ देखें बहुत से लोग यूज़ करते हैं सेल्फ मेड कौन होता है सेल्फ मेड आज अगर वो तमाम उसने मुझे पढ़ाया वो ना पढ़ाते वो अपना काम ना करते तो मुझे नहीं पता था मेरे जितने कोचेस मैंनेटोर्स हैं वो ना मुझे स... बड़ी उम्र में आके वो ना मुझे सिखाते मेरे दोस्त मैंने मैंने उनको बताया ना मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड छत्तीस साल की उम्र में मंगाई है बकायदा जाके यार मुझसे दोस्ती करोगे या सो ना वो करती रिजेक्ट कर देती कि कितनी अजीब सी बात है इतनी बड़ी उम्र में कब दोस्त बनते हैं कुछ भी कह सकते थे ना क्योंकि हम ग्रो होते होते बड़े होते होते इतनी ज़्यादा हमने फिक्सेट कर दिए हैं बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा वो कर दिया कि नहीं ये तो होता ही नहीं है ये तो बहुत आउट ऑफ द दर्डनरी है अगेन एक्स्ट्रा वाली बात सो घर so, में बच्चों को एक्सप्रेशन ये सिखाना कि जी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आज ये वसाइल हम कम या ज़्यादा तो बोल नहीं रहे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है तो अल्लाह का शुक्र अदा हो गया फिर पेरेंटिंग की तरफ आए कि जी मामा को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पापा को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं हम हाँ, अगर हमें अपना टाइम डिज़ाइन करना है क्वालिटी टाइम डिज़ाइन करना है तो हम वो कैसे करेंगे आ, जो स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं लोग लेट ट्वेंटीज थर्टीज में वो तो वक्त नहीं निकाल पाते है. अगर हस्बैंड्स काम करें बीबियाँ फील करेंगी कि जी फील करेंगी हमें तो नहीं मिल रही जब वो ये फील करेंगी तो उनके बिहेवियर कैसे होंगे मैंने आपको जो साइकिल बताया उसी में अब आप फिट करना शुरू करें ना ठीक है बिहेवियर को चेंज करने के लिए वापस आपको थॉट पे जाना पड़ेगा फीलिंग्स पे जाना पड़ेगा हर एहसास अगर एक मैसेंजर है तो वह आपको कुछ ना कुछ बता रहा है सिखा रहा है बशर्ते कि आप रेडी हो वो समझने के लिए नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों को पता है कि हमें क्या करना है सिर्फ फाइव जो करते पता सबको है ना बने आप भी 95% फाइव परसेंट ना मतलब आप 5% अगर नहीं भी बनना चाहते तो कम से कम सेल्फ अवेयर जरूर होना शुरू हो कि यार ये होता है कुछ लोग हैं दुनिया में जो बेहतर कर रहे हैं कुछ लोग हैं जिनके घर अच्छे चल रहे हैं कुछ लोग हैं जिनके बेहतरीन बॉन्ड उसमें बन रहे हैं अच्छा मुझे बताएं कि इमोशंस को अगर एक्सट्रीम पे लेके जाएं फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो रही हैं हमारे यहाँ तो और अब तो तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और खैर हमने उस उस चीज़ की बात इम्पावरमेंट वाले एपिसोड में की है कि टॉक्सिसिटी भी काफ़ी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन इमोशन को किस तरह फॉर एग्जांपल एक तो तलाक की नौबत ना आए उसको किस तरह रेगुलेट करना है और अगर तलाक हो गई तो उसके बाद इमोशंस को किस तरह रेगुलेट करना है ताकि अगले लाइफ पार्टनर तक अपनी सारी गलतियाँ छोड़ के जा सकें अच्छा। आप बहुत अच्छा बहुत जरूरी सवाल किया आपने देखिए पहली चीज़ आपने यहाँ देखा है किससे में तलाक हो गए हर कोई एक कहता है हाँ हर कहीं जबकि मजाक में कौन देता है प्यार में कौन देता है मतलब कौन देगा प्यार <laughs> मैं वही तो कह रही हूँ तो गुस्सा तलाक मसला नहीं है मसला और वो पिनिकल पे पहुंच जाता है कि वहां फिर आप आपने इस नहद तक पहुंचाया कैसे आप अपना गुस्सा नहीं मैनेज कर रहे क्योंकि तलाक देने का मतलब आप जिम्मेदारी नहीं कबूल कर, कर अच्छा फिर तलाक की बड़ी वजह अब्यूज होती है मैं तो नहीं चाहूंगी कि कोई भी बहनियों को भी भाई ऐसी मैरिज में रहे जो अब्यूस अब्यूस क्या है वर्बल अब्यूज है फिजिकल अब्यूज है वर्बल तो अब्यूज है ये अब्यूज क्या है मतलब मिसयूज करना किसी को पावर की मिस। हां पावर की मिसयूज अपनी पावर की ठीक है उस अब्यूज से आपको हासिल क्या हो रहा है सेटिस्फैक्शन

अपने नफस्यात आपकी उससे अगर आप नार्ससिस्टिक हैं तो आपको वैसे ही अपने ऊपर काम करना है चाहिए अगर आपको इस चीज़ का एहसास है अगर आपका ईगो बहुत ज्यादा है ठीक है कुछ चीज़ों का एहसास तो फो कर सकता है किसी को मेरा नहीं है एहसास होता हाँ लेकिन जो डायग्नोस्ट होता है ठीक so... है अब मैं ये मैंने इसलिए यह लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि आजकल मैं ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग दूसरों को जब ब्लेम गेम करते हैं ना तो इस्तेमाल करते हैं भाई इमोशन से रिलेटेड ना तीन में जो चीज़ें होती हैं स्पेशली जब रिलेशनशिप्स की बात होती है और वही कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और उसी से फिर तलाक होती है पहली चीज नो कम्युनिकेशन साइलेंट ट्रीटमेंट या अवॉइडेंस बिहेवियर इन सबको मैं एक अम्ब्रेला में कर दिया नो कम्युनिकेशन साइलेंट ट्रीटमेंट अवॉइडेंस बिहेवियर झगड़ा हुआ बांध है घर no से निकलना है औरत तो कहीं नहीं जा रही कहाँ जाती भाई वो सही बात आप जाके दोस्तों में बैठे आपने बुझ किया अपना गम गलत किया और आ गए ठीक है सो so, पहली चीज़ क्या हुई नो कम्युनिकेशन अवॉइडेंस बिहेवियर या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट क्या आप पनिश कर रहे मैं तो बात ही नहीं करूँगा अब उससे लंबी खामोशी ठीक है दूसरी चीज़ होती है एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट्स एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट्स यानी जेखम धाड़ जो जो कि खाली फिर वर्बल अब्यूज नहीं रहती जिसका हाथ उठना होता है उसका एक दफ़ा हाथ खुल गया तो फिर खुल गया ठीक है और चौथी चीज़ होती है ब्लेम गेम जो लोग जिन लोगों को आदत हो जाती है झगड़ों की केयर्स की वो हर थोड़े दिन में ब्लेम गेम कर रहे होते हैं हर तो क्योंकि उनका फिर साइकिल उसी तरह चलने शुरू हो जाते हैं ब्लेम गेम का क्या मतलब है अपने ऊपर से जिम्मेदारी डिफ्लेक्ट की सब तुम्हारी गलती है सब तुमने तुम्हें यू किया है तुम्हारी वजह से ये हुआ है फलाने की वजह से ही सेड शी सेट फलाने की वजह से हुआ झमकाने की वजह से हुआ जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर जब तक जिम्मेदारी कबूल नहीं होगी तब तक उस पर काम नहीं हो सकेगा और कॉन्शियसली काम करने के लिए कितनों को पता है कि इसके लिए कोचिंग हो सकती है कितने लोगों को पता है अच्छा बहुत से लोग हैं मुझे अप्रोच करते हैं थेरेपी के लिए भाई आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट आई डोंट डू थेरेपी इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू कमिट टू दैट मच टाइम आई बिलीव इन फास्टर रिजल्ट आई बिलीव कि अगर किसी चीज़ को आप ट्वीट करके साइंटिफिकली प्रोवन टूल्स से बेहतर कर सकते हैं और एक you know, like, एहसास न दामवत या निचले पर पानी की आपको जरूरत नहीं आप कर रहे आप आप आ, है आप काम करो ना आप कहना शुरू करो कि यार आई एव आइडेंटिफाइड मेरे अंदर ये मसला है मैं अब इस पर काम कर रहा हूँ जैसे मैं आपको नहीं कहती कि मुझे अंदाज़ा है कि मेरी टोन ऑफ हो जाती है तो मैं अपनी टोन पे काम कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ ना तो मुझसे गलती हो रही है और मैं अपनी गलती को एक्नोलेज भी कर रही हूँ और मैं उस पर कॉन्शियसली काम भी कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कह रहे आप क्यों नहीं कह रहे क्या हता के नफ्स हो रही है या आप अपने आप को कमतर समझ रहे हैं इस चक्कर में तो फिर तो पेनिट सिस्टम पे जाना पड़ेगा बचपन से लेकर आप तक आप किस चीज पे अपने आप को प्राउड फील करता है ठीक है और अगर आपको कभी आपके पेरेंट्स ने हमेशा हार्ड रहे आप पे नहीं नहीं जब तक फर्स्ट आओगे तुम किसी काबिल नहीं हो नहीं जब तक ये नहीं हो जाएगा तब यू नो इफ एंड देन तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे सप्रेस भी होते हैं और वो फिर इन तीन चीजों में यू you नो know, इन तीन एक्स चाहे वो साइलेंट हो चाहे एक्सप्लोसिव हो चाहे ब्लेम गेम हो ये सब करने लगते हैं ये डिसरेगुलेटेड है रेगुलेटेड का मतलब क्या है यू बिकम अवेयर यू रिफ्लेक्ट ऑन मेरा ये इशू ये है और अकेले तो पता चलता नहीं ना फद आपके एक्सपीरियंसिस पर रिफ्लेक्ट करने से पता चलता है या आपके जो करीबी हैं वो बता सकते हैं अगर आपके रिडार हैं अगर वो आपके और आप उनको ट्रस्ट करते हैं इतना कि आप उनकी बात देखें वो कहते हैं सच्ची बात कड़वी लगेगी नो कड़वी नहीं लगती आपको वो बस एक्सेप्ट करना मुश्किल होती है कि अच्छा ऐसा है फॉर द फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं कहती थी कि मेरी टोन पे मत जाओ क्यों ना जाओ क्योंकि मैं बदलना नहीं चाह रही थी मैं मुझे लग रहा था कि सही तो है मैं इसी तरह तो एक्सप्रेस करती हूँ बट क्या मैं दूसरों को अगर सिखा रही हूँ तो मुझे अपने आप को भी तो अपडेट करना है अपग्रेड करना है मैं अपना स्किल सेट भी ऊपर उप, लाना चाहती हूँ ठीक है तो जो आपने जिस तरह से बात की थी जब हम फैमिली में इमोशंस की बात करते हैं जब जब ये तीन चीजें होंगी मामला गलत तरफ जाएगा डिवोर्स की तरफ जाएगा जहां अब्यूज है वहां अगर बंदा नादिम है देखिए चांस एक होता है बस यू गिव ओनली वन चांस किसी ने आप पे हाथ उठा दिया है अब आपको पता है कि इसका हाथ खुल गया है ये रिपीट हो सकता है क्या आप ये चांस लेना चाहते जाती हैं चाहते हैं है, है, जो भी ठीक है थीके? अगर वर्बल अब्यूज़ की बात है गालियाँ पड़ रही है अगर एक बंदे का पैटर्न देखो अगर उसका पैटर्न है कि वो दोस्तों में घर वालों में सब में बैठ के फराफर गालियाँ देता है तो वो पर्सनल मत लो लोगी बट उसको ये अहसास दुलाओ कि जितनी काम दोगे उतनी ज़बान साफ रहेगी उतना लेस गुनागार होगे उतना यू you नो know, हमारे बीच में बेहतर हो चीज़ें बेहतर होगी ये सिर्फ उनके लिए जो वर्बल अब्यूज़ ज़्यादा करता है फिज़िकल का तो मैंने आपको बताया कि

मैं उनको भी खुश करने की कोशिश कर रही हूँ उनको भी खुश करने की कोशिश कर रही करी अपनी well को वेल्डिंग मैं अगर मैं काम करती हूँ काम दे दिया है मैंने अपनी कोलीग को भी हेल्प करने का वादा किया हुआ था अब मुझे दोनों को खुश करना मेरा अपना काम भी पड़ा है फंस जाऊंगी ना वर्किंग एनवायरमेंट पे भी तो है ना ये सारी चीज देखें रिलेशनशिप खाली घर पर तो नहीं है ना रिलेशनशिप आपके बॉस से भी है कोलीग से भी है एक एक इंसान को आप अगर एक अच्छे हैंडस्पेस में नहीं है आप रात में तीन बजे फोन करके बोले तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा था वो कह पागल फोन बंद करो ये कन्फ्रंटेशन का टाइम था ऐसे मामलों में जब आप इमोशनली हाई हैं कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए मेरे ससुर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते शायद मैंने आपकी पहली बार पॉडकास्ट में भी रिपीट की हो आग को आग से नहीं बुझाते तो क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने आपको दुनिया में आते ही दी वो थी आपकी ब्रेथ ब्रेथ सांस टेक डीप इन होल्ड करें पॉज करें ये पॉज इतनी मोहलत दे देता है आपके ब्रेन को कि वो एमेक को डिसंगेज करके लॉजिकल ब्रेन को एंगेज कर ले और मैक्सिमम ऑक्सीजन ले सके ठीक <laughs> okay, है सो so, हमें मालूम तो है ये फिर हम करते क्यों नहीं है इन द हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है रिएक्शन सो इक्वल रिएक्शन रिएक्शन एट टाइम्स इक्वल से ज्यादा भी हो जाता है जैसे मेरी बेटी छोटी है भाई साहब ने छेड़ा छाड़ी की उन्होंने टिकाया अब इन्होंने दो तीन मारे क्यों क्योंकि वो बड़ा है उसके एक से मुझे इतनी चोट लगी थी कि मैं अब तीन मार होगी दैट इज नॉट द वे इट्स नेवर इक्वल पहली चीज दूसरा अगर एक रिएक्ट कर रहा है तो आपको भी रिएक्ट करके एस्केलेट नहीं करना है छोटी चुट छोटी बातें होती देखिए बात बहुत छोटी भी हो सकती है उसने मेरी चीज़ क्यों उठाई इतराज यह नहीं है कि उसने उठा ली लें है कि मुझसे नहीं पूछा लेकिन ये किसी ने नहीं कहा और आ, डिवोर्स वाले चक्कर में वाकई यही होता है कि दोनों पार्टी एक साथ चढ़ाई जब कर रही होने एक दूसरे पे

सही मैंने अपने ग्रुप में एक आ, फ्री ट्रेनिंग करवाई थी फ्री आ, ट्रेनिंग थी और वो थी ही इस पैटर्न्स को करें। हम सीखते हैं, पर जिस से हमारे रही होती हैं हम उससे करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा उस वक्त लगता है ना hmm. साइकोलॉजिकल है ठीक है well, well. आपके चैनल ट्रामर्स में सकता है आपने मारधाड़ है यू आर यू इट

एक इंस देखिये मैं कहती हूँ अगर वन परसेंट भी चांस है कि आपकी गाड़ी चल जाएगी तो उस वन परसेंट को फुरगो ना करें वो वन परसेंट की मेहनत जरूर करें हम बात करते हैं ना के दोनों को मिलकर करना होगा दोनों का एफर्ट बराबर होना चाहिए एफर्ट बराबर नहीं होता मोहब्बत भी बराबर नहीं होती लेकिन इंटेंशन तो सेम होना चाहिए कम कम से इंटेंशन अगर ये है कि यार साथ रहना है और ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना है देखिए आप और आप और बुशरा साथ रह सकते हैं आज झगड़े ऐसे भी रह सकते हैं वही झगड़ा बच्चे सीखेंगे कल को वही रेप्लीकेट करेंगे आज आप ही कह सकते हैं भाई बुश्रा हमने साथ तो रहना ही है नहीं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बना के रहे अब ब्यूटीफुल लाइफ क्या होती है ब्यूटीफुल लाइफ ये नहीं होती कि कोई परेशानी नहीं है ब्यूटीफुल लाइफ ये होती है ब्यूटीफुल लाइफ ये होती है कि अच्छा चलो ये फाइनेंशियल चैलेंज आया मैं ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लूंगा ये घर का ये वाला चैलेंज आया ये तुम ज्यादा बेहतर से हैंडल कर लोगी अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करेंगे अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ्स पे उसको अप्रिशिएट करें और बताएं उसको कि मैं ये जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा बट मुझे पता है कि तुम इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो या कर सकती हो और इसमें पता ही होता है दूसरी बात पे अगर मैं आऊँ एक तो इमोशनल रेगुलेशन हो गई दूसरी होती मिसप्लेस्ड इमोशंस होता क्या है कि तलाक से अगर हम बात निकालें डिवोर्स से जैसे साहिल अदीम भी अक्सर बात करते हैं कि हमारे यहाँ जैसे हमने लास्ट टाइम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की थी या फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी है तो पेरेंटल प्रेशर इतना है कि बेसिकली अब uh, मेरे अब्बा को या अम्मा को पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आई एम मोबलाइज्ड टू से गुड बाय टू हर ठीक है इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और कितने तो लव uh, मैरिजेज़ में भी और अरेंज मैरिज़ में भी डिवोस हो जाती हैं तो ये मिसप्लेस इमोशन और दूसरी चीज़ की यहाँ से आती है कि पेरेंट्स कैन नेवर भी रॉन्ग ये भी तो हमारे एक सोसाइटल प्रोग्रामिंग है ना

फाइनलाइज भी इन्हें नहीं किया है सब हो गया इनकी मर्जी से वो ये कल को ये कहे कि जी हाँ मैंने शादी कर ली अम्मी अबू ने बोल दिया था बस यहीं करनी है पसंद तो मैं किसी और को करता था तो भाई तुमने क्यों किया निका का जो फलसफा है जो जो यू नो लाइक वाई आर यू गेटिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट यू आर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू आर द पर्सन मेकिंग द डिसीजन तीन दफा पूछा इसीलिए जाता है कि आपको मना करना मना कर दो तो यार उसके ये नहीं, नहीं कह सकते। देखिए बात आपको पता है मेरे पास जेंडर के लोग आते हैं, ठीक है अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कहा शादी करा ये ठीक हो जाएगा उसका इंटरेस्ट नहीं है बीवी में बिल्कुल भी नहीं है अब उसने अपनी लाइफ में तो ये कुड़ी पाव पे मारी मारी दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद की और ब्लेम किस को कर रहे हैं आप खुल के उन्हें बताओ कि जी मेरा ये सिलसिला है मैं इस तरह से नहीं रह सकता मैं किसी और की जिंदगी भी नहीं ख़राब कर सकता बहुत सी तलाकें तो इस वजह से भी होती हैं ना फिर बहुत सी तलाकें होती हैं कि जी अगला बांझें या अगला ना मर्द है ठीक है ना साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के या इम्पोटेंस के दोनों में ठीक है इस्लाम uh, खुला की इजाज़त जरूर देता है और सेपरेशन तलाक़ की भी इजाजत देता है हालांकि ये भी कहता है कि आप किफालत करते रहिए या आप बंधे रहिए जुड़े रहिए ताकि किसी की दिल शिकनी शिक हो। सही एहसास और हाँ जज्बात को मद्देनजर नजर रख के ये होता है ना लेकिन ये क्या होता है कि जी अच्छा मज़ा नहीं आ रहा मुझे तो बच्चे चाहिए थे इनसे तो बच्चे हो नहीं सकते तलाक हो गई अच्छा एक खातून से शादी हो गई अब बच्चे नहीं हो रहे चलो दूसरी कर लो तीसरी कर लो चौथी कर लो बाद में जाके ख्याल है अपने टेस्ट करा लो आप ही नहीं डिवोर्सेस की रीजन मेजरली डिपेंड करती है इस मिस नॉट जस्ट मिस डेड इमोशन पे बट इंटेंशन पे भी आपने इंटेंशन नहीं बताई भी आप किसी भी बंदे से शादी कर लें ये सोच के, के जी मैं हराम का बच्चा नहीं पैदा करूँगी मुझे अपना एक ही चाहिए इसी से चाहिए ठीक है और बच्चा हो गया तो फिर उसको घास भी नहीं डालनी मैंने ये भी गलत बात है मैकेनिकल बना देना प्रोसेस को इमोशन निकाल वो भी गलत तो आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते देखिए मेरी लव मैरिज है और आ, मैंने अपना निका नवा पढ़ा था दो दिन पहले मंगवा के जिस दिन यहाँ से कम मई था मैं फ्लाई इन करके आई थी कराची और मैंने उस दिन रिक्वेस्ट की हुई थी कि जी जब मैं लैंड करूँ तो मेरा निका नवा इंग्लिश उर्दू दोनों वर्जों तो मुझे उर्दू वाला नहीं ज्यादा समझ में आता तो मैंने इंग्लिश वाला डिमांड किया था मैंने दोनों का सिग्नेचर्स वो मैंने बकायदा पढ़ा और मैंने उस वक्त ये कहा कि जी इसमें से कोई भी क्लॉज क्रॉस नहीं होगा जिस पे मेरे घर वालों ने तो कहा बिल्कुल ठीक है ये तो बड़ी प्रोग्रेसिव बात है क्योंकि मुझे मैंने ये सुना था दोस्तों से भी कि जी उसमें जो मौलाना साहब होते वो आके जो औरत का तलाक का हक हाँ के हकना मायू जाता है वो पहले क्या करवाते क्यों कटवा देते आप क्या पहले से ही तलाक का सोच के शादी करे नहीं भाई इस तरह तो नहीं होता लेकिन अगर मेरे अल्लाह ने मुझे खाक दिया और मैं एक रिलीजियस uh, काम कर रही हूँ लीगल तरीके से तो मेरा वो खुला होना चाहिए मैं तो नहीं इनको uh, uh, मतलब मैंने अपना हक हा, खुला अपने किस, किस लिए रखवाया है फ्यूचर किसी ने नहीं, नहीं देखा ना इफ थिंग्स गो साउथ आई कैन यूज ऑल द राइट्स आई हैव लेकिन अगर मेरा राइट में खुद कटवा दूंगी तो मैं कल को क्या करूंगी मैं अपने खुद कर दिया ना सेम गोज फॉर गाइस लड़कों के पास आ, जो गुजाइश है बीवियों की शादी की हर कोई कोर्ट जरूर कर देता है कुरान में से के जी चार कर सकते हैं बट अग, अगला वर्ष पूरा नहीं करते के जी तब जब आप कर सके बराबर से बराबरी कर सके कोई नहीं बराबरी कर सकता फ़ाहर। इस पे बहुत से रिलीजियस लोग बहुत से फतवे ला चुके हैं मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है हर किसी का अपना बिलीफ है हर किसी का अपना फेथ है आपको ये देखना है कि वर्क क्या कर रहा है आपके लिए आपकी गाड़ी क्यों ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप को जब तक तलाक के बाद रिकनसलेशन की नौबत ना आए तभी आप हेल्प लो मैंने रिलेशनशिप कोचिंग ली ठीक है मैं अपने हालात बेहतर करना चाहती थी ठीक है मेरी ख्वाहिश थी ये अच्छी बात है कि मेरे मियाँ की मुझसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि जी हाँ ठीक है हम करें मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी बिकॉज आई एम मोर रिसेप्टिव टू वैट आई लाइक टू डू इन राइटिंग एंड मैं पूरी पूरी एक्सरसाइजेस करते हूँ ये ऐसे नहीं है कि बस आप गए आपने वेंट किया आपने बातें की और मसला हल हो गया नो देर आर इट्स वेरी नॉलेजबल आप सीखें पहले अपने बारे में सीखें अपने आप को समझें कबल कोचिंग कैसे होती है पहले आप खुद इस काबिल बनते हैं अपने अंदर से वो खामियों अपनी खामियों को रिकगनाइज करते हैं जिनकी वजह से मसले हो रहे उसके बाद अब उन पर काम करते हैं फिर दोनों इकट्ठे मिलकर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर आते हैं कि जी तुम्हारे लिए क्या तरीका है मेरे लिए क्या तरीका है एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझो एक दूसरे के क्या वेफन थे जो यूज़ किए थे वो अब नहीं यूज़ करने अच्छा इंटरटेड मजेदार तरीका है और मेरे ख्याल है जो कपल कोचिंग से गुजर रहा है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि एफर्ट है लेकिन मिस एफर्ट नहीं है एफर्ट को भी तो डायरेक्शन चाहिए ना फायद आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो ठीक है सीढ़ी चढ़ाए आप अब वो सीढ़ी उस दीवार से लगी है आपको नहीं पता उस दीवार के पीछे क्या है तो एटलीस्ट अपनी सीढ़ी सही दीवार पे तो लगा लो और इसमें पता है एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट नोट की गई है कि हमारे यहाँ ना जैसे वालदे होते हैं ख़ास तौर पे पर इस पर काफ़ी सारे मीम्स ही बन चुके हैं कि बेटों की बच्चों की या बेगम की वेलबींग की फ़िक्र से ज़्यादा या उनकी अपनी फैमिली की फिक्र से ज़्यादा बहनों की और बह भांजे भतीजों की फिक्र ज्यादा होती है ये बहुत ज्यादा प्रवैलेंट है और बहुत से लोग इसको बात नहीं करते क्योंकि इसको भी समझा जाता है ये डिफॉल्ट मोड है जबकि ये गलत है आप मुझे मुझे एक बात बताइए सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी आपके अपने ऊपर है ठीक है उसके बाद आप जितनी जिम्मेदारियाँ ओढ़ते जाएंगे या आप अलाउ कर रहे हैं देखिए मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी हम चार बच्चे थे ठीक है हम चारों बच्चों अब मैं अपने बाप की जगह नहीं हूँ मैं अपनी माँ की जगह नहीं हूँ कहा जाता है ना तुम मेरी जगह हो तुम वलिया है दो ठीक है तो आपने इंकल्केट क्या किया है आपने बचपन से उस बच्चे को क्या बताया फॉर एग्जाम्पल अब मेरा बेटा है एक बेटा है सराउंडेड बाई गर्ल्स गर्ल कजें बहने मतलब जो घर की लड़कियां ज्यादा है ठीक है अब अगर बचपन से उसको ये कहा जाए भाई बड़े होते हैं तुम्हें नहीं ख्याल करना है तुम्हें नहीं करना है इतने से बच्चे पे कितना बोझ डाल दिया आपने नफसियाती तौर पे, और वो प्रोग्रामिंग जिंदगी भर के लिए हो गई है कि अब जो भी है पे हाँ। यकीन मैं, ना भी मैं मौका नहीं जाने देती उसको ये बताने का जी, तो इस काबिल बनो कि तुमसे जो रिश्ता करे वो खुशी खुशी तो मेरे साथ निभाए रहना चाहे पसंद से ज़बरदस्ती से और वही तुम्हारे बच्चे देखे और उनके सामने रोल मॉडल हो तो वो

कल को उनकी शादी होती है आपके बहनोई से आपका नवाजना शुरू हो जाए। hmm. क्यों बात। इससे होगा क्या आपकी और आपके बहनोई के बीच में तो कदूरत आएगी ही आएगी एक हो गया ना। बहन और आपके बेगम में भी हो जाएगा दे 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 क्या ऐसे में फिर जॉइंट सिस्टम में चल सकता है ऐसा कुछ नहीं रह सकता जॉइंट क्या दूर होने के बाद भी ना दिल में ये बात रहेगी क्योंकि खुल के बात करना नहीं आती और ये कंपैरिजन आपने खुद किया नहीं ये तो एक और जनरेशन से आया है ठीक है सो so, चंद ऐसी चीजें जो कि अगर आज माइंडफुल हो जाए ना आज से मेहनत करना शुरू करें सी नया साल आ रहा है राइट गोल्स होंगे नहीं? क्या रिलेशनशिप पे काम करना गोल नहीं हो सकता अपने मैं, घर, गोल बनाया मैं तो इंकरेज करूंगी आपका क्या गोल होगा 2024 के लिए और आपको पता है मैं फिर गोल पे स्मार्ट बनवाती <laughs> उसके लिए अलग सेशन करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट फॉर माय वाइफ स्किल डेवलपमेंट फॉर माय वाइफ मतलब दो तीन स्किल्स डेवलप करनी है दैट माय गोल क्योंकि उसकी स्किल्स डेवलप होंगी तो डेफिनेटली शी फील मोर मोर एंपावर्ड मोर एंपावर्ड सो वो एंपावरमेंट तो हो गई अपनी और आपकी जो आप दोनों की रिलेशनशिप है उसका क्या गोल होगा

एक्चुअली कितने लोग तो ये बोलते हैं कि उसमें मसला है मसला मसला वो हमारा नहीं है और वो ऐसे हैं so, तो मैंने कहा सबसे पहले आप सेल्फ अवेयर नहीं हो आप में उनमें तो वो इंडो टू वाली बात हो गई इसलिए भी तो होती है या सेकेंड मैरिजेस थर्ड मैरिजेस फोर्थ मैरिजेस इसलिए भी होती है साथ नहीं है वट ड यू ब्रिंग टू दू लव यूर सेल्फ इनफ आपको एक बीवी से प्यार नहीं मिला आपने दूसरी से लिया बट आपका अपना अपने लिए प्यार का है, आपने दर्द से भी नहीं तीसरे पर चले गए दर्द से चलो शादियां नहीं कर रहे प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रहे वो फ्रेंड्स विदिफिट वाला सीन हो जाए ठीक है क्यों क्योंकि आपको एक सर्टन अटेंशन मिल रही है अनहेल्दी तरीके से सो जहाँ मेहनत की ज़रूरत है अगर वहाँ कर लो तो कितनी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अच्छा मुझे बताएं कि चलें डिवोर्स हो गई वो डिवोर्स जस्टिफाइड भी है खैर अब बंदी उसे खैर बंदों को तो बात नहीं करूँगा ज़्यादातर तो ये बंदियों के साथ मसला होता है कि आप वो सेकेंड या थर्ड पर जाना चाहती हैं मैरिज के ऑप्शन हैं उनके पास कर सकती या फिर वो सोच भी नहीं सकती हैं तो अब उसके बाद जो इमोशनल रेगुलेशन या

कामयाब शादी क्या होती है जो चल है कितनी जिंदगी भर फेथफुली देखें मतलब दो मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं जो 40 40 साल से शादीशुदा हैं लेकिन आपस में हमाहंग ही नहीं हाँ नहीं मतलब वो है जो मतलब म्यूचुअलली बेनिफिशियल चलती रहे आगे तक वो है खुश खुश रहें दोनों साथ में और फ्लरिश करते हुए नजर आए

और बच्चा कभी भी वो क्रच नहीं देखिए बैसाखी समझते हैं आप बच्चों को बैसाखी ना मनाए बच्चों की नफ्सियात बर्बाद हो जाएगी डोंट डू दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड अगर तो अरेंज मैरिज है तो भी अगर लव मैरिज है तो भी अगर आपके पास इमोशनल बैगेज है तो उसको मैनेज uh, करना आपकी जिम्मेदारी है आपके स्पाउस की नहीं आपका स्पाउस फॉर एग्जाम्पल एक साहब ने साइकोलॉजिस्ट से शादी कर ली इस उम्मीद में कि वो साइकोलॉजिस्ट है उनको भी ठीक कर देंगे क्या ये फेयर है साहब ने कर दी बेगम बेगम साइकोलॉजिस्ट बेगम साइकोलॉजिस्ट सही है सिनेरियो देखे मतलब सोच समझ के शादी हुई है ये साइकोलॉजिस्ट लानी है घर पे तो घर में बड़े मसले हैं ये रियल टाइम केस है जी हां अच्छा उसमें हो रहा क्या है कि बंदी बंदी को नहीं पता था बंदी को क्या पता अरेंज मैरिज है

लड़के से शादी कर लीजिए लड़के ने कहा था बाहर लेके जाएगा वीजा नहीं आया या आ, इमिग्रेशन का समान नहीं हुआ नहीं हो सका कोई भी वजह ही अब वो बंदी नाला हो गई नहीं मैंने तो सिस्टर शादी की थी ये तो बाहर लेके जाएगा मैं तो यहीं सड़ रही हूँ दो साल हो गए चार साल हो गए छह साल हो गए मैं तो पास बाहर ही नहीं जा रही योर 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 मोटिव मोटिव टू गेट इट वॉज कि मैं इसको बैसाखी बना के लॉन्च पैड बनाऊंगी मेरा रॉकेट उड़ेगा तुमने उसको साथ तो देना नहीं है तुमने शादी क्यों की फिर सही बात है इमिग्रेशन के लिए मतलब ये बातें हैं जो जो हो रही हैं हमारे यहाँ बट वो तो एड्रेस्ट नहीं हो रही है और इमोशनल बैगेज प्ले करता है रोल अगली शादी फॉर एग्जाम्पल चले इस पूरे को अगर मैं आपसे कहूँ ना कि तलाकों की शराब देख के अलार्म होना चाहिए लेकिन उस अलार्म के बाद क्या होना चाहिए ये नहीं कि जी औरतें जो हैं वो आ, हो रही हैं क्या बोलते बागी हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए ये सोचना चाहिए कि क्यों इंटॉलरेंस है कहाँ पेरेंट्स के इंटरफेरेंस की वजह से तलाक की नौबत आई है वो लड़की के पेरेंट्स हो या लड़के के पेरेंट्स दोनों दोनों का इन्वॉल्वमेंट तबाही करता है पहले ये तय कर लें अगर आप शादी शुदा तो आपकी बीवी या आपका शोहर फैमिली सही बात है आपकी अपनी औलाद फैमिली आपके बहन भाई फिर फैमिली नहीं रहते लड़कों को ये उबोर करने में ना देर लगती ये हजम होने में बहुत देर कोई इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल प्रोग्रामिंग आ गई ना एग्जैक्टली और और ये एहसास के जी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया भाई सबके माँ बाप सबके लिए उतना कर पाते हैं जितना उनकी और आप भी करोगे जितनी आप सके तो आप भी करोगे ठीक है ना सो तलाक हाँ हो सकती है लेकिन अगर वन अगर वन परसेंट भी चांस है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकता है। लोग हैरान होंगे कि यार इनकी तो कहाँ क्या हो रहा था और काय पलट गई पूरी इन गुड सेंस अच्छे सेंस में चले सर थैंक यू वेरी मच ये जो आपने खास तौर पे मुझे नहीं पता था कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो आपने साइकोलॉजिस्ट से शादी करने वाली बात बताई तो इसका मतलब है Uh, मैं तो सिर्फ सर्विस पे तैर रहा हूँ अभी <laughs> अंदर तो बहुत कुछ है तो बीइंग ए रिलेशनशिप कोच अगर आप जिन जिन तरह के केसेस से वास्ता आपका पड़ता है कबर का हाल मुर्दा जानता है तो इसीलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोग इस तरह के इशूज़ हैं रीच आउट टू तो सना और रीच आउट टू तो एनी प्रोफेशनल नॉट टू एनी yeah. प्रोफेशनल मतलब आपको जो अच्छा लगता है जिसकी बात आप सुनते हैं

कंज्यूम कर सकते हैं ना इस सूरत में जो हम लोग लेकर आते हैं या फिर और भी पॉडकास्टर्स कॉन्टेंट क्रिएटर्स लेकर आते हैं सो इट्स ऑल फॉर यू ऑल अवेलेबल फॉर यू तो थैंक यू सना फिर मुलाकात होती है इन अगले एपिसोड में मिलते हैं खुदाफ़